सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज शहबाज शरीफ साहब दूसरी दफ़ा मुल्क के वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। मामला कुछ यूं हमें वहाँ पे नज़र आया कि एक तो उनकी मेडन स्पीच थी वो करने नहीं दी गई, एक बिल्कुल रीकैप नज़र आया जो 2018 में जिस तरह से इमरान खान जब वज़ीर आज़म बने थे उनको भी स्पीच नहीं करने दी गई थी, लेकिन जो तकरीर आज की शहबाज शरीफ साहब ने उसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन भी नज़र आई। वो कॉन्ट्रडिक्शन ये थी कि एक तरफ वो धमकियाँ भी देते रहे, उन्होंने ताने भी दिए अपनी अपोजिशन को, पीटीआई को, और एट द वेरी सेम टाइम मुफाहमत की भी बात कर रहे थे। बॉडी लैंग्वेज की अगर बात करें तो कुछ ज़्यादा खुश, खास तौर पे उनके बड़े भाई जो साथ बैठे थे तीन दफ़ा के वज़ीर आज़म, ज़्यादा खुश कुछ नज़र नहीं थे आ रहे। हालांकि चले छोटा भाई दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया, लेकिन एनीवेज दूसरी साइड पे ये हुआ जो डिफरेंस था 2018 से आज के दरमियान वो ये था कि उस वक्त शहबाज शरीफ साहब ने तकरीर की थी वो सरकारी टीवी पर दिखाई गई थी। आज उमर अयूब की थोड़ी सी तकरीर का थोड़ा सा पार्ट तो दिखाया गया लेकिन सरकारी टीवी ने फिर उसको ब्लैकआउट कर दिया। एनीवेज आई विल कम स्ट्रेट टू द पॉइंट, और ये जो आज मामला हमने देखा है आगे कहाँ पे सूरत हाल जा सकती है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट्स हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा देता हूँ। हबीब अकरम साहब, नसरुल्ला मलिक साहब और मुजाहिद बरेलवी साहब मौजूद हैं, तीनों सीजनड और सीनियर जर्नलिस्ट। बहुत शुक्रिया सर आप सबका। बरेलवी साहब, यू आर द मोस्ट सीनियर अमंगस्ट अस, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ। आप मेडन स्पीच किस तरह से देखते हैं, एक तो उसकी कॉन्ट्रडिक्शंस के मतलब एक दफर मुफाहमत की बात कर रहे हैं, साथ धमकियां और ताने भी उन्होंने दे दी, और फिर खुश क्यों नहीं इतने नजर आ रहे, कुछ चेहरा कुछ लटका हुआ सा था, हालांकि खुश होना चाहिए उनको दूसरी दफा वजीर आजम बन गए। नसला मलिक जो है वो मुझसे प्रोफेशन उम्र में शायद मैं सीनियर हूँ, वैसे मुझे प्रोफेशनली वो ज्यादा मुझसे सीनियर है, और उनको सुनता हूँ कर दू। तो देखिए ये जिस तरीके से पूरा इंतखाबी प्रोसेस हुआ है और हबीब अकरम और इन लोगों ने भी माजी के इलेक्शन देखे हैं, लेकिन ये जो इलेक्शन जो प्री पोल रिगिंग से स्टार्ट हुए, और आप गौर करें कि मियां नवाज शरीफ जो पंजाब का एक पॉपुलर लीडर होता था उसने ये जहमत भी नहीं गवारा की कि अपने मुखालिफ एक 73 साल खातून, चाहे 9 मई अवल तो साबित ही नहीं हुआ, 9 मई इशू ही नहीं था, उसको वो 24 घंटे के लिए पेरोल पे रहा कर देते और इलेक्शन लड़ते। फिर आपने पंजाब में देखा कि रात 2 बजे तक क्या रिजल्ट आ रहे थे, फिर किस तरह बंदे का निशान लिया गया, किस तरह मिलिट्री कोर्ट में केस दिए गए, किस तरीके से बेशतर उम्मीदवार रूपोश हो गए, किस तरह हुआ, और ये दरअसल एक वेल प्लान तरीके से जो हमारे मैं बहुत ही गार्डेड वर्ड में कहूंगा उन्होंने एक प्लान बनाया, और वो जिसको कहते हैं मंजरनामा जो मियाँ साहब की वापसी से शुरू हुआ। मुझे कोई हैरत नहीं है कि जिस तरीके से उर्दों की बटाई हुई कि सदर जरदारी बनेंगे, बिलावल को भेजा गया कि जाइए चीखे शोर में रहिए, मियां साहब को इसी तरह वापस लेना था, शहबाज को लाना था। आप गौर करें कि पीपल्स पार्टी की वो आज कोई आप लोगों को याद होगा 1977 में भी एक निश्चित पीपल्स पार्टी की नहीं थी इलेक्शन में, जो भुट्टो साहब के दौर में इवन, और इसी तरह केपी में उनकी सिर्फ 3 नशिस्तें थी, इस बार भी शायद एक नशीद भी महफूज उनकी सीट यहाँ नहीं थी, वहां उन्होंने की गवर्नमेंट बना दी, वहां यहाँ गवर्नर दे रहे हैं, यहाँ सिंध के अलावा आप देख लें कि पीपल्स पार्टी का ये जो हेलो जी 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 ये जो जो जो, जो ये जो पूरा मैं कहता हूँ पूरा स्क्रिप्टेड था, ये पूरा स्क्रिप्टेड था। एक आम आदमी समझता है कि जब से इलेक्शन के दिन से आज तक स्क्रिप्ट में गड़बड़ इस तरह हुई कि इन्हें इस बात की तवक्को नहीं थी कि 8 फरवरी की सुबह 6 बजे से मम्मी डैडी जो एक बहुत ज्यादा एक प्रोसेस से गुजरने के बाद मैच्योर पॉलिटिकल हुए वो इतनी बड़ी तादाद में टर्न वापस आएंगे। और हमें ये भी पता है कि ये फॉर्म 45 के रिजल्ट पोलिंग स्टेशन और पहुंचने से पहले और उम्मीदवारों से पहले कहां पहुंच गए थे, और वो जो फॉर्म 45 है क्योंकि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार जो 65% आजाद उम्मीदवार खड़े हुए, आजाद उम्मीदवार भी खड़े हुए गए, जब ये फॉर्म 45 पहुंच गए और पता चला कि ख्वाजा आसिफ जो है वो 30,000 वोट से आ रहा है, 15-20,000 वोट से आ रहा है कराची में, मैं दावे से कहता हूँ नसर मलिक और हबीब अकरम मेरे खर्चे पर यहाँ आ जाए, अगर MKM की एक भी नशिस्त वो बता देंगे ना तो बाकी तो मैं तो खैर उच्चा नहीं कहता, हिसाब पर छोड़ दूंगा। इस तरीके से मैं पंजाब की बात नहीं करता, एक निश्चित नीति उन्हें आपने 17 नशिस्तें लाई हैं, और ये इसलिए ले आई हैं कि जब चाहे इनको मेक और ब्रेक के लिए जो 1988 से MKM का रोल है ना, बीबी की गवर्नमेंट बनाने को, बीबी की गवर्नमेंट तोड़ने को, नवाज शरीफ की बनाने को, नवाज शरीफ तोड़ने को, इमरान खान की गवर्नमेंट को बनाने को, इमरान खान तोड़ने को, ये 17 सीटें यहाँ बलूचिस्तान की, 25 नशिस्तें सेफ हाउस में रखी गई हैं, इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। बरेलवी साहब जो इक्वेशन अब बनी है समझता है
ये पूरा एक वेल प्लान तरीके से जैसे एक मंसूबा इलेक्शन का बनाया गया। मैंने कहा लेकिन आज मैं भी एक बार नहीं दूसरी बार अधीन है कराची से सक्कर मुल्तान लाहौर पिंडी पिशावर मैं बाई रोड होता हुआ आया हूँ और मुझे कोई कोई खास तासुब की अब तक कोई कप्तान या उनकी पार्टी से मोहब्बत नहीं है। लेकिन आपने देखा कि जमहूरियत के साथ जो कुछ हुआ जो डाउनफ्रीज किए गए ऐसा इस तारीख में नहीं हुआ कभी। एक ब्रीफली मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो अब इक्वेशन बनी है, जो माहौल आपने आज देखा है, ये कंपनी आपको कितनी चलती नजर आ रही है? आपने खुद देखा यानी 92 आजाद उम्मीदवार कम नहीं होते। फिर दिलचस्प बात ये है कि आपने यानी अगर आप यानी उन महरूम कर रहे हैं उन 92 के यानी कहें कि जी उनके मखसूस जैसे देने से एक टेक्निकल बुनियाद पर जमहूरियत क्या टेक्निकल बुनियादों पर चलती है। क्या हमें नहीं पता था कि ये भी इसका हिस्सा था? उन्हें पता था कि इनकी सीटें कितनी होंगी और इन्हें किस तरह उन नशिस्तों से महरूम करके इलेक्शन लड़ा जाएगा। शायद अब वो दे दी जाए क्योंकि मकसद हल हो गया। अब आप देखिए कौन खड़े थे, उमर अयूब उनका कितना बड़ा कदकाट है, बैरिस्टर गौहर कितना बड़ा कदकाट है, साथ में तीन चार जो लोग के वहां थे कितना बड़ा कदकाट है क्या हमें नहीं पता। लेकिन आपने देखे आज जिस तरीके से आपने खुद कहा शरीफों के साथ जो कुछ हुआ है उसके बाद ये हाउस जो है इसके लिए काउंट डाउन शुरू किया जा सकता है बहुत आसानी से। कोई कहता है 6 महीने देंगे, कोई कहेगा 1 साल देंगे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, आपने अगर याद होगा इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, काबिल गौर बात, इस इलेक्शन को कामयाबी पर मुबारकबाद दी गई और कामयाब हुआ और सबसे पहले शहबाज शरीफ को भी मुबारकबाद दी गई वो चाइना की जानिब से। यानी एक जियो पोलिटिकल की मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। हम तो सिर्फ एक्चुअली सर कोई इलेक्शन से पहले भी सोचती कि इलेक्शन हो जाएंगे तो चले सियासी इस्तेहकाम हो जाएगा, जो अदम इस्तेहकाम है वो जरा इंस्टेबिलिटी कम हो जाएगी, आगे मुल्क बढ़ेगा। लेकिन ये तो इस तरह से ये दुनिया के सामने अगर जाएंगे इस मैंडेट को लेके, क्योंकि दुनिया कह रही है कि जिस मुल्क में मैंडेट इस तरह चोरी हो, चोरी क्यों IMF पैसे दे भाई। अच्छा बरेलवी साहब, मैं जरा नसरुल्ला मलिक साहब को, आपने खुद ही बताया कि वो तजर्बे में और उम्र में तो आपके बराबर ही है, मैं जरा उनसे भी पूछ लेता हूँ। मलिक साहब, ये जो कॉन्ट्रडिक्शन की बात थी कि एक तरफ मुफाहमत का कह रहे हैं कि आए हमारे साथ बैठे, उसी फकरे के अंदर वो साथ 9 मई की धमकियां भी कि जेलों से नहीं निकलेंगे, ताने भी। एक जो डिमांड है सर, आज अगर वे फॉरवर्ड ये ना करते चले ठीक है फॉर्म 45 लाख के अपने सारे रख देते बहुत ही अच्छा होता, साथ ये भी कर देते अगर एक ऐलान के चले आपकी ये डिमांड है कि एक जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए 9 मई के मामले को लेकर, हुकूमत नहीं खत लिखना होता है, वो कहते हैं हाँ जी हम ऐलान करते हैं हम करवा लेते हैं इंक्वायरी, तो वुडंट दैट हैव बीन अ गुड स्टार्ट, बेहतर तरीके से आगे बढ़ने का मलिक साहब? देखिए बाजवा साहब, पहली बुनियादी बात तो ये है कि जिन चीज़ों का हम जिक्र कर रहे हैं ये बड़ा आइडियलिज्म की शिकार चीज़ें हो सकती हैं कि जी वो दांदी की तहकीकात करवाते या वो 9 मई के हवाले से बात ना करते। देखें 9 मई जो है वो इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने, और ना सिर्फ चैलेंज किया है बल्कि उनके साथ एक बड़ी महाजराई की है। अब उससे मौजूदा हुकूमत कैसे पीछे हट सकती है? एक पेज पर आई हुकूमत और जो माजी में एक पेज पर थे उनका पेज फट गया, नए पेज का आगाज़ हो गया, तो ये कैसे मुमकिन है कि उससे ये पीछे हट जाएं या उस पर बात ना करें? रही बात अफामो तफीम की, देखें हम बात कर रहे हैं इलेक्शन धांधली की और हम बात कर रहे हैं कि IMF हमसे बातचीत नहीं करेगा, चीन मुबारकबाद दे रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि ये इलेक्शन के अंदर बहुत से मकाम में जिस कराची का जिक्र किया मुजाहिद बरेलवी साहब ने, बहुत सी शिकायत दुरुस्त हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दुरुस्त हो सकती हैं, लेकिन ये कोई नई कहानी है, ये उसी कहानी का एक वर्क है जो आप और मैं लेके बैठ जाते हैं आज 4-5 साल बाद। लेकिन हम कितने आराम से कह देते हैं सिवाय एक के कोई इलेक्शन यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, हम बड़े सादे मुंह से हम कह देते हैं, लेकिन ये कोई बात तो नहीं ना सर, अब कहीं तो आगे बढ़ना है हमने कि नहीं बढ़ना सर? नहीं, गुजारिश ये है कि हम कितने आराम से कह देते हैं जी की पॉपुलरिटी है, बहुत मान लिया बड़ी पॉपुलरिटी है, ये पॉपुलैरिटी भाईजान जैसे बनाई गई वो तारीख मुझसे सुन ले। फिर आज मुराद सईद साहब तकरीर कर रहे थे तो कौमी असम्बली के अंदर हुक्म आता था कि उनकी तकरीर नहीं काटी जाएगी, इसलिए कि एक पेज था। हाँ, मुराद सईद साहब जितनी मर्जी तकरीर करते रहे, आप TV चैनल अपने एडवर्टिजमेंट की तरफ भी नहीं जा सकते थे, उनकी पूरी तकरीर दिखाते थे। उससे पहले चले जाएं जब ये पॉपुलैरिटी बनाई जा रही थी, जब मसीहा बनाया जा रहा था, जब हीरो बनाया जा रहा था, तब आपको याद नहीं है कि हम
एक बनी गाला में डीएसजी लगाते थे, एक इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लगाते थे, एक कराची एयरपोर्ट पे लगाते थे, फिर कराची की जलसागाह तक जो है उनको डीएसजी फॉलो करती थी। अभी इमरान इस्माइल साहब के घर जाएंगे, नाजीन आपको बताते चले कि इस वक्त वो जो है उनका काफिला रवाना हो गया है। सर उसका 12-12 घंटे की ट्रांसमिशन टेलीविजन चैनल पर लाइव, पिछले दो साल किसी सियासतदान को इस मुल्क में मिली हो मुझे। मैंने कहा मलिक साहब पिछले दो साल में उसका बदला पूरा नहीं हो गया, एक भी दफा नहीं दिखाया गया, ब्लैकआउट कर दिया टोटल, वो हो गया ना। उसके बाद तो वोट लोगों ने, जब आपको एक माहौल दिया गया, मुझे आप या आपको पकड़ के मैं ऐसे एक मुल्क का पॉपुलर तरीन लीडर बना दूं, उसके बाद फिर आप कहेंगे नहीं जी नहीं बस आप तो ठीक है जी, अब एक दिन में ये पॉपुलरिटी भी खत्म हो जाएगी। जिस तरीके से एक माहौल बनाया गया, जो मस्बत रिपोर्टिंग के अहकाम मिले थे पहले दिन ही मिले थे हुकूमत बनते ही, वो किस लिए मिले थे कि 100 दिन तक कोई खिलाफ खबर नहीं जाएगी। जो पब्लिक सर्वे करने की इजाजत बंद कर दी गई थी कि आप माइक लेके लोगों के पास नहीं जा सकते अवामी मसाइल के हवाले से, वो किस लिए किया जा रहा था? वो इसलिए किया जा रहा था कि मसीहा बनाना था, किसी को हीरो बनाना था। अब उसको जीरो बनाने का वक्त आ गया था, वो भी काम शुरू हो गया। चंद साल आप देखेंगे कोई नया हीरो बनना शुरू हो जाएगा। मलिक साहब लेकिन हम इस बात को नहीं मानते, जब तब मुझे तकलीफ होती है कि भाई बात यह है कि कल कोई और पसंदीदा था, आज कोई और पसंदीदा है। मसला यह है कि सियासतदान ना सबक सीखेंगे ना वो सीखना चाहते हैं। क्यों सीखें? शॉर्टकट मिलता हो। उमर अय्यूब साहब खिताब फरमा रहे थे माजी की हुकूमतों ने मुल्क तबाह कर दिया, ये चार हुकूमतें आखिरी निकलवा के देख लें, उमर अय्यूब साहब किसके साथ थे? आजम स्वाती साहब किसके साथ थे? ये लतीफ खोसा साहब अभी चंद दिन पहले किसके साथ थे? अभी वो इंकलाब की बातें आपको मुझे सुना रहे होते हैं कि मुल्क के अंदर तब्दीली आ जानी चाहिए, करप्शन का खात्मा हो जाना चाहिए। एक लंबी लिस्ट है जिन्होंने पिछले 40 साल से पीपल्स पार्टी में PMLN में आप और PTI में आपको मुझे आप फिर ये कह रहे हैं कि आपको वही नजर आ रहा है जिस तरह से पहले मामला हुआ था, चूंकि उसी का एक रीकैप आ गया है तो आगे फिर रिजल्ट्स भी उसी तरह के हम देखेंगे। मैं हबीब साहब को इसमें उनकी राय इसमें जानना चाह रहा हूँ। जी हबीब साहब यही है फिर आगे जिस तरह का पहले मामला चलता रहा आगे भी रिजल्ट भी उसी तरह के आएंगे जैसे पहले आए थे? और फिर थोड़ा सा कॉमेंट सबसे पहले इस पर कर दीजिएगा, हाउ डू यू सी द मेडन स्पीच ऑफ सेकेंड टाइम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब? आप इसको मेडन स्पीच कैसे कह रहे हैं? इनकी हुकूमत तो 16 महीने यानी अप्रैल से जारी थी और बीच में अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत जो थी वो भी दरअसल मुस्लिम लीग की हुकूमत थी। जो पंजाब में हुकूमत थी मोहसिन नकवी साहब की वो भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। पीपल्स पार्टी की हुकूमत एक जज साहब साबिक रिटायर्ड जज साहब की सूरत में सिंध में मौजूद थी। ये सारी हुकूमतें तो इन्हीं की थी, तो लिहाजा इसको मेडन स्पीच ना कहें, इसको बस यूं कहिए कि एक एडजस्टमेंट स्पीच सो कॉल्ड है, ठीक। इससे ज्यादा इसमें कोई है। दूसरी बात यह है कि इनके पास कहने के लिए क्या है? जो 16 महीने की कारकर्दगी है वो अब उसी का बोझ खुद उठाना है, बल्कि उसका बोझ क्या उठाना है, ना पहले अपना बोझ खुद उठाया था ना अब अपना बोझ उठाना है। तो लिहाजा एक तो फार्स है ये, हम इसको कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच है, फॉर गॉड सेक अकबर बाजवा साहब, ये हमें ये मानना चाहिए कि अभी हमें, मैं चूंकि इतना तजर्बेकार नहीं हुआ कि मैं हर दूसरे के जख्म देख के अपने जख्म का मदावा कर लूं या दूसरे को मार पड़ती हुई देख के अपनी मार को जस्टिफाई कर लूं, मेरे से ये हो नहीं सकता। नुसला मलिक साहब मेरे सीनियर है इसलिए वो कर सकते हैं। बात यह है कि हर इलेक्शन के बाद स्टोरी बदलती है, मुकम्मल तौर पर बदलती है। हर इलेक्शन के बाद 75 साल की तारीख नहीं सुनाई जाती, मुस्तकबिल की बात की जाती। मसला यह है कि ये इलेक्शन जितना ये इलेक्शन इस इलेक्शन में जितनी धांधली की गई है, ये दोनों मुजाहिद बरेलवी साहब भी बैठे हैं, जनाब नसला मलिक साहब भी बैठे हैं, पाकिस्तान की तारीख भी आपके सामने है, किताबें हर इलेक्शन पे लिखी जा चुकी है, कहाँ हुई है? सही मसला यह है कि 8 फरवरी का ये जो आज जिस असम्बली में हमने वजीर आजम को मुंतखब होते देखा है, ये 8 फरवरी को नहीं, ये 9 और 10 फरवरी का जो नतीजे है ये उनके मुकाबले उनके उसके नतीजे में बने हुए वोट्स हैं। वैसे खुद जावेद लतीफ साहब ने भी बात की है, उन्होंने कहा हम 9 फरवरी को जीते, ये उनका इंटरव्यू है बाकायदा, मतलब हमने क्या कहना है, वो उनकी अपनी जमात के और इतने क्लोज कॉन्फिडेंट नवाज शरीफ साहब के, वो ये बात कर रहे हैं। इतना गैर शफाफ इलेक्शन अकबर बाजवा साहब आपकी आपकी कौमी तारीख में है ही नहीं। ये जिसको मतलब ये तो बड़े आराम से कह देते 2018 में इक्वेट कर लिया, 2020 में किसी और इलेक्शन को इक्वेट कर लिया, इसके आपको पैरेलल कोई मिसाल ही नहीं मिलती जो कुछ हुआ है हमारे सामने। तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि हमें अभी हमारी मुश्किल आसान नहीं हुई, हम वहीं पे फंसे हुए हैं, हम 8 फरवरी पे ही पुल मुल्क फंसा रहेगा जब तक उसका हिसाब नहीं होगा। सही, ठीक है। अच्छा एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक से वापस आएंगे, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो डिस्कस करनी है। सेनेट में एक सेनेटर बहरामंद खान तंगी साहब जो कि जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल की थी, उसके बाद अब वो सेनेट ने वो टेकअप भी कर लिया, उसके ऊपर
बहस मुबासा होगा, उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली पास तो नहीं होगी, लेकिन दिस शोज अ पर्टिकुलर माइंडसेट, और वो रेजोल्यूशन ये है कि सोशल मीडिया को पाकिस्तान में बंद कर दिया जाए। आपके इल्म में ही है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक्स की सर्विसेज बंद हैं, सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बाद नहीं खुली, और जितने भी रेलिवेंट अथॉरिटीज थीं कोर्ट जिनसे पूछती रही वो सब ये कहते रहे कि हमें नहीं पता। तो यहाँ पे जैसे फिर जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर कंटेम्प्ट के अंदर उन्होंने जो डीसी साहिबान को और पुलिस के ऑफिसर्स को जिस तरह सजा दी, फिर उस तरह का कोई दूसरा जज भी होगा? और क्या अगर सोशल मीडिया बंद कर दिया जाए तो क्या इस्तेहकाम आ जाएगा पाकिस्तान के अंदर? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुल्क में अभी तक ट्विटर या एक्स की सर्विसेज अभी तक बंद हैं, उनके हुक्म के बावजूद। और फिर सेनेटर बैरामन तंगी साहब ने ये एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसमें वो कहते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ये बड़ा बुरा असर डालता है यंग जनरेशन पर, खास तौर पर फेक न्यूज़ फैलाई जाती है, वेस्टेड इंटरेस्ट के तहत फैलाई जाती है, नफ़रतें फैलाई जाती हैं, ये सब गंदे तरीन काम जो है ना वो ये होता है, और सियासी इस्तेहकाम आ सकता है अगर, क्योंकि ये सोशल मीडिया की वजह से लोग जो है ना उनके बयानिए बने हुए हैं और वो गलत डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। साथ एक एक्स तो चले बैन है, लेकिन बैरामन तंगी साहब ने कहा है कि फेसबुक, टिकटॉक और इंस्टाग्राम और यूट्यूब को भी मुल्क में बैन कर दिया जाए। सेनेटर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब आपने वक्त दिया है। सर आप वाकई समझते हैं कि ये सोशल मीडिया जो है ये बहुत बुरा असर डालता है, नफ़रतें फैलाता है, और वेस्टेड इंटरेस्ट जो हैं वो फेक न्यूज़ फैलाते हैं, और ये सब बंद हो जानी चाहिए? मतलब दुनिया में यही हल तो नहीं, सारी दुनिया के पास ये मसाइल हैं, फेक न्यूज़ का मसला भी होगा, लेकिन ये हल तो नहीं है सारी दुनिया के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मेरा जो रिजोल्यूशन है वो आपके सामने होगा। जी जी बिल्कुल, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस रिजोल्यूशन में एक लफ्ज आप मुझे बताएं कि वो मैंने गलत लिखा है, आप बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं। अगर मेरा रिजोल्यूशन सही है तो फिर आपकी सोच हो सकती है आप उसको पसंद करते हो या नहीं, लेकिन सबसे पहले आप मुझे मेरे रिजोल्यूशन के बारे में एक लफ्ज बताएं वो गलत मैंने कहा है। क्या इस वक्त इन टूल्स के इस्तेमाल से मैंने जो कुछ लिखा है ये सही नहीं है? सर इसके क्या पॉजिटिव साइड्स नहीं है सोशल मीडिया की? सुने नहीं नहीं, देखिए सबसे पहले तो मैंने ये जो चीजें लिखी हैं अपनी रिजोल्यूशन में, जी जी, सोशल मीडिया के इन टूल्स के इस्तेमाल से मैंने जो कुछ लिखा है, मैं पाकिस्तान की तमाम इंटेलेक्चुअल एंकर साहिबान, जर्नलिस्ट साहिबान को बताना चाहता हूँ कि एक सामने आए और मुझे इस रिजोल्यूशन में एक लफ्ज आए, हो सकता है कि मैं उस लफ्ज को अमेंडमेंट कर लूं या मैं अपने रिजोल्यूशन को वापस ले लूं। लेकिन अगर ये सब कुछ है और इस सोशल मीडिया के इस्तेमाल से मेरे मुल्क की मुल्क मेरा यूथ, मेरे नौजवान नस्ल सब कुछ तबाही के दहाने पहुंच चुका है, एक लीडरशिप की क्वेश्चन हो रही है, फेक पॉलिटिक्स इस वक्त पूरी पाकिस्तान में काबिज हो गया है। एक चीज छोटी सी तंगी साहब, ये बता दीजिएगा कि वैसे तो वो पार्टी ने आपको शो कॉज किया हुआ था, वो शायद आपसे डिस्टेंस भी कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त आपने ये रेजोल्यूशन मूव किया था आज से महीना डेढ़ पहले, तब तो आप पीपल्स पार्टी का हिस्सा थे, उनकी भी यही सोच थी उस वक्त? देखिए मेरी बात सुने, क्या अगर एक आदमी एक पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, जैसे मैं 1980 से मैंने पीपल्स फेडरेशन से पॉलिटिक्स किए और 80 के बाद मुझे सेनेटर, अच्छा, क्या मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ? नहीं, नहीं, क्या मेरी अपनी एक सोच नहीं हो सकती है? सही। क्या मैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन के लिए और पाकिस्तान के नौजवान नस्ल के लिए नहीं सोचूंगा? क्या मैंने और कुछ करना है जो मेरी पार्टी का हो? क्या ये आज जो है आई गॉट द आंसर, वो आप ये फरमा रहे हैं कि ये आपकी आपकी जाती राय है, आपकी पार्टी की राय नहीं है। मैं वो आप कह रहे थे ना कि मुफक्किर दानिश्वर एंकर उनसे भी पूछ लें, वो हमारे साथ हैं, तो तीन बड़े मुफक्किर हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्ला मलिक साहब, ये तंगी साहब ने जो फरमाया वो आपने सुन लिया है सब कुछ, वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से मुल्क की आई के दहाने पर पहुंचा हुआ, सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पा रहा, इसको बंद कर देना चाहिए सारे के सारे को, तो और ये
जो मैं बता ही दिया मैंने आपको उसमें से चीदा चीदा बातें कि बहुत बुरा असर डालता है ये नौजवानों के ऊपर, ये नफरत फैलाता है लोगों के दरमियान, ये फेक न्यूज़ फैलाते हैं और वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं, उसके अलावा ये नेगेटिव और मिलिशियस प्रोपेगेंडा करता है। आप अग्री करते हैं तंगी साहब से और बंद कर देना चाहिए सोशल मीडिया, और ये हल है क्या तबाही के दहाने में जहाँ वो कह रहे हैं हम पहुँचे हुए हैं? मालिक साहब देखिए बाजवा साहब, शायद मैं तंगी साहब के जो अल्फाज हैं बंद करने के उससे मामूली सा इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन उनकी बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ। ठीक, आप मुझे एक बात बताइए, ये कहाँ का मीडिया या कहाँ का सोशल मीडिया है कि एक शख्स उठता है आपको की गाली देता है? ये कहाँ का सोशल मीडिया है कि एक बंदा उठता है और आपके बारे में कहता है जी कि आपने फलां से इतने करोड़ इतने अरब रुपये ले लिए, उसके पास उसका कोई सबूत नहीं है? ये कहां का सोशल मीडिया है कि यहां उठ के कह दिया जाता है कि मैं फैसला करूंगा, मैं बताऊंगा कि आपने मुल्क कैसे चलाना है? आप क्या हैं? आप मेंबर पार्लियामेंट हैं? आप हुकूमत हैं? आप अपोजिशन हैं? आप क्या हैं? यानी आप किस पोजीशन में बैठ के किसी मुल्क के बारे में कह देते हैं कि फलां ने व्हाट्सएप के जरिए यह हदायत जारी की? जब आपसे सबूत मांगा जाता है आप कहते हैं नहीं, मैं सोर्सेज नहीं बताऊंगा। यानी ये दुनिया के किस मुल्क में होता है? यानी इन्हीं टीवी चैनल जो हमारे टीवी चैनल हैं इन्हीं साफियों की बात कर लेते हैं ना, अभी कल ही एक मीडिया हाउस को 70,000 पाउंड जुर्माना हुआ बरतानिया के अंदर, वहां बैठ के आप इस किस्म के बयानात इस किस्म की इल्जाम तराशी कर सकते हैं? सर लॉज यहां पे भी है, यहां पे भी कर लेते हैं सर। मुहिम शुरू करने के लिए डिस इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन का आखिरी कानून बना के गई थी पीडीएम की गवर्नमेंट, उसको इंप्लीमेंट करते हैं ना सर, पूछते हैं उनसे और फिर उसके बाद सजाएं दे, वो ठीक है, लेकिन टोटल बंद कर दें। आपकी अदालतों में जाके मुझे एक बात बताइए, चलो मैं 3-4 सवाल आपसे पूछता हूँ कि जी आप जनाब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पनामा केस से पीछे हटने के लिए शहबाज शरीफ साहब ने 10 अरब रुपए की ऑफर की थी, आपने शहबाज शरीफ साहब की किरदार कुशी कर दी ना, क्यों नहीं आप अदालतों में सबूत लेकर आए? आप अदालतों से बात, सोशल मीडिया तो नहीं है ना सर, हम तो चले अभी इसको यहां पर रखें, सोशल मीडिया पर रखते हैं सर। आपने जस्टिस कैनी से माफी मांग ली सर, गुजारिश सुने, आपने जाके जस्टिस कैनी से माफी मांग ली? मैं नहीं कहता कहीं धांधली की शिकायत हो नहीं सही दुरुस्त होगी सर, वो होंगी सियासी स्टेटमेंट्स, मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि वो सोशल मीडिया को उसमें कहां से आ गया, यहाँ पे तो अवाम अपना गुजारिश सुन ले ना सर, बाजवा साहब मेरी गुजारिश सुन ले, आपने 8-9 साल 10 साल दो सियासी जमातों की किरदार कुशी इस तरीके से की कि दुनिया में उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। मसला ये है कि जब आप इस हद तक चले जाएं लोगों की किरदार कुशी करें, लोगों के ऊपर इल्जाम लगाएं, लोगों की ऐसी तैसी कर दें, लोगों के ईमान के ऊपर फतवे लगा दें, लोगों की जान खतरे में, मैं तो वही अर्ज कर रहा हूँ सर, उसमें तो कानून मौजूद है हमारे पास, उनको सिर्फ इंप्लीमेंट करना है, लोगों को बताएं उनकी सजा और प्रूव करें ओपन कोर्ट के अंदर और फिर सब मामला हो जाए। वैसे आपने जो बात सोर्स वाली बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैंने उस पर बात कर ली, मिसाल सर मेरी बात सुन लेना, वो मैं डिटेल में बात करूंगा, आजादी जाग पड़ती है ना सर, हमारी आजादी जाग पड़ती है, किसी शख्स से पूछा जाए कि भजन आपने इल्जाम लगाया सबूत दे दें, हम सारे मैदान में कूद के आ जाते हैं, नहीं आजादी इजहार राय पे पाबंदी कबूल नहीं करेंगे, यानी अच्छा इससे बड़ी ज्यादती किसी सोसाइटी के साथ क्या हो सकती है? मतलब ये है सर कि बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं, हैं हबीब साहब आपका भी ये ख्याल है इस पे? अकबर बाजवा साहब ये अभी एक आवाज थी, ये नसरुल्ला मलिक साहब सहाफी ये वो हैं क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहे सर, सीनियर सहाफी हैं ना करें वही हैं टीवी में जो काम करते हैं मलिक साहब, बिल्कुल सर क्या हो गया मतलब? ये वो जर्नलिस्ट है अभी अकरम साहब मेरे भाई मेरे दोस्त मोहतरम, मैं आपके ऊपर इल्जाम लगा दूं कि आपने 10 अरब रुपए लिए हैं किसी शख्स से और मुझसे आप सबूत मांगे, मैं आगे से आजादी साफ़त का परचम लेके आ जाऊं? मलिक साहब एक मिनट चले, हबीब साहब बात पूरी कर लें आप। नहीं मैं नहीं करना चाहता, मैं कोई बात ही नहीं करना चाहता, मलिक साहब ने जो कुछ सहाफत के बारे में जो कुछ कहा है ये निहायत गलत है, बेबुनियाद है, मैं बस इसके अलावा और कोई बात नहीं करना चाहता। मैं तो सिर्फ इतना सा मलिक साहब से भी मैंने इस पे एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछना है और वो ये सर ये तो पूरी दुनिया की अदालतों में सहाफियों के सोर्स नहीं पूछा जा सकता, इट्स अ सेट प्रिंसिपल अक्रॉस वर्ल्ड, हमारे यहाँ पे आज क्या हुआ है कि एक सहाफी से वो बार बार उसका सोर्स पूछ रहे हैं और 3 दिन का मजीद रिमांड अदालत ने दे दिया, पूरी दुनिया में यूं नहीं होता मलिक साहब, ऐसी खबर नहीं दी जा सकती, आप कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसी खबर दुनिया में दी नहीं जा सकती, आपके 3 टीवी चैनल को जुर्माना हो चुका है बरतानिया के अंदर ऐसी खबर चलाने पे, यानी सोर्स पूछने की बात कर रही है, आप मुझे एक बताएं, मैंने आपसे एक सवाल किया सिंपल, मैंने सवाल पूछा आपसे, सवाल पूछता हूं मलिक साहब, चले मैं बरेलवी साहब को भी मैंने शामिल है गुफ्तगू करने, अभी साहब कर लें कंप्लीट सर, और हमारे सामने बात करता हूँ, मैं जरा हक के बात करता हूँ, हेलो जी जी
ब्रेलवी साहब बताएं। जनाब ये सोशल मीडिया को छोड़िए, गालिबन ये सेनेटर आप कह रहे हैं इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है। जी जी, ये आजादी इजहार राय की सबसे बड़ी अलमबरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक। जनाब यही सेनेट थी, और बातें तो छोड़िए, आपको याद है कि साद हसन जरानी किस तरीके से चेयरमैन सेनेट बने थे मोहतरम सेनेटर साहब को, हासिल खान बेदिंजो को जब खड़े हुए तो 64 और उधर खड़े हुए थे गालिबन 46, और जब वोटिंग खत्म हो गई तो पता चला कि हासिल खान बेदिंजो 14 वोटों से हार गए, और वो वोट देने वाले कौन लोग थे साद हसन जरानी को? नून लीग और पीपल्स पार्टी के। और बकायदे बाहर जब हासिल बेदिंजो निकला तो उसने कहा किसने हराया, तो उसने कहा फैज ने, शहरी रहमान साहब खड़ी थी, उन्होंने पूछा, वो साहब ने पूछा कौन फैज, तो उन्होंने कहा आप नहीं जानते, और फिर एक कमेटी बनी और इधर रहमान मलिक की, वोट देने वाले पीपल्स पार्टी और नून लीग के थे। सोशल मीडिया को तो छोड़े, या हासिल बेदिंजो मरूफ ने मुझसे कहा पूछ लें आप उनकी पार्टी के सेनेटर साहिद बेदिंजो थे। अब ये तो सोशल मीडिया नहीं है ना, आप प्यारी पार्टियां जो चाहे करते रहे, ये पीपल्स पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट के हक में दिया, वो बार बार उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे दोस्त हजर अब्बानी की, मैं आज जमीर मेरा रो रहा है, मेरी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट को एक बार इंडोर फिर कर दिया, तीन बार किया, आपने सोशल मीडिया की छोड़े, ये तो आप लोग कर रहे हैं। एक रात में 54 करारदादे पास हुई है, कभी हुआ है सेनेट में जिसमें ये हमारे सेनेटर दोस्त बैठे हुए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, क्यों नहीं करते भाई, क्यों नहीं करारदाद पास करते उनसे सेनेटर को जो वफादारियां बदलते हैं, और किसके आवाज बदलते हैं, किसकी कॉल पे बदलते हैं, किस मामले के तहत बदलते हैं, जाऊं तफसील में मैं, तब पता है हमें। मैं तो सर वही देखें आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का है उसमें उस सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस बयान है उसके अंदर, वो देखें वो जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है वो हमें पता है, लेकिन टोटल बंद कर देना, ब्लैकआउट कर देना, इस तरह के मशवरे देना, फिर स्क्रीन पे खड़े हुए थे 64 सेनेटर, हाँ जी स्क्रीन पे खड़े थे 14 खड़े थे या नहीं खड़े थे, फिर वो कितने पड़े। अच्छा आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, देखने वालों को पता चल गया होगा, हबीब साहब आपने तो खैर आपने कहा कि मैं क्या उस पर बात करूं, मैं सर एक ब्रेक ले लूं, मैंने ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नसरुल्लाह मलिक साहब जो आपने बात किया, क्योंकि हम तो अब देखें मैं आप सीनियर, लेकिन कुछ 17 साल मुझे भी सहाफत में हो गए, मुझे तो हमेशा यही पता था, मैंने जो 7-8 साल रिपोर्टिंग की है कि सहाफी से सोर्स नहीं उसका पूछा जा सकता, लेकिन एक पॉइंट जो नसरुल्लाह मलिक साहब कह रहे हैं कि सहाफी इस तरह की पर्टिकुलर जिस केस का रेफरेंस चल रहा था उस तरह की खबरें नहीं देते, तो इस पर मैंने जरा सबसे सवाल पूछना है कि ये क्या यूं ही है मामला। ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि सहाफ़ी से उसका सोर्स पूछा जा सकता है, पूरी दुनिया में अदालतें नहीं पूछती सहाफ़ियों से सोर्स, हमारे यहाँ पे ये मामला हुआ। हबीब अकरम साहब चलें पहले तो आप चुप हो गए, इस पर तो कुछ कहिए, मतलब ये बताइए, मैं जो रिपोर्टिंग का टाइम मैं अपना को 7-8 साल निकालूं, मैं तो यही समझता रहा, हमें तो सीनियर्स ने बताया भी है कि नहीं पूछती अदालतें सोर्स, सर पूछा भी नहीं जा सकता, अक्रॉस द वर्ल्ड नहीं हो सकता, लेकिन वो जो ऐड किया उसके अंदर नसरुल्लाह मलिक साहब ने कि इस तरह की खबरें भी नहीं होती, क्या कहेंगे इस पर आप? पहले तो बात यह है कि खबर तो हर किस्म की होती है, खबर कोई भी चीज जिस पे एक जो सहाफी जिस चीज को समझता है और एक एडिटर उसको ओके करता है तो वो खबर है। यहां से आगे सवाल ये पैदा होता है कि खबर गलत है या दुरुस्त है। अब अगर तो दुरुस्त है और उसके ऊपर कोई रिएक्शन है तो आप किसी से सोर्स नहीं पूछ सकते, लेकिन अगर गलत है तो सिचुएशन फिर मुख्तलिफ होगी, फिर इसका जिम्मा सहाफी को उठाना पड़ेगा, और फिर हमें अपने पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे कानून मौजूद हैं जिसके तहत लोगों से पूछना चाहिए। और मैं इस बात पे कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान में कोई गलत फैक्ट बयान करे, देखिए गलत फैक्ट बयान करना एक बिल्कुल अलग चीज है, जब गलत फैक्ट बयान करें तो उसके लिए हमारे कानून भी हैं और उनकी सख्ती से मुनासिब तरीके से उनकी इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए, लेकिन एक इम्कान पे लोगों की जबानबंदी कर देना, लोगों की यानी लोगों के इजहार के रास्ते बंद करने की बात, लेकिन मुझे जो उसमें समझ आई बात वो ये है कि पहले ये भी तो साबित किया जाए कि ये गलत है खबर, ये बुनियादी बात है। देखिए अगर तो वो फैक्ट पे एक सहाफी इसरार कर रहा है और वो उसको फिर उसको प्रूफ तो करना है ना। देखिए अगर बाजवा साहब अगर मैं खबर देता हूं, एक खबर देता हूं ए और बी के दरमियान ये ताल्लुक है, और उसके बाद में ए और बी के दरमियान ये ताल्लुक साबित नहीं कर सकता, या तो फिर मुझे सोचना है ना, फिर मुझे मेरा काम है ना, मेरा काम नाजुक है कि मेरी जवाब तलबी होनी चाहिए, लेकिन उस जवाब तलबी के साथ फिर मुझे किया जाना चाहिए।
मुझे कोर्ट ऑफ लॉ में पेश किया जाना चाहिए, बिल्कुल ये बिल्कुल जरूरी बात है और दुरुस्त बात है। अच्छा मुजाहिद बरेलवी साहब, ये जो मैटर वही हम आपके बात यही कर रहे थे कि जो एडिटर ने पास की खबर जो रिपोर्टर लेके आया वो उसके उसके तमाम उसने देखा कि पैमानों पे पूरी उतरती है, वो अखबार में आ गई या टीवी पे आ गई, लेकिन ये जो सोशल मीडिया का डिजिटल जो दौर है, जो व्लॉग्स होते हैं यूट्यूब की अगर हम बात कर लें, फेसबुक के ऊपर, वहाँ पे अब पहली बात तो ये कि उस वहाँ पर कोई एडिटर का ऑफिस मौजूद नहीं है, वो खुद ही वो बंदा एडिटर भी है और खुद ही वो बंदा रिपोर्टर भी है, खुद ही वो बंदा नरेटर भी है, तो ये और फिर ग्रे एरियाज में जहाँ पर रिपोर्टिंग ना उसका पता चल पाए कि ये बात कितनी दुरुस्त हो सकती है या नहीं हो सकती, तो क्या व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? देखिए मेरा तो ये ख्याल है कि ये मेरा वक्त कम है, शायद दो तीन मिनट मुझे लगता है आपके पास हैं। जी जी बिल्कुल। मेरा ये ख्याल है कि ये समझते हैं कि ये जो 80% या 70% वोट जो है शरीफों जरदारियों के खिलाफ बढ़े, ये सोशल मीडिया की वजह से पड़े, उनके वोटर की वजह से पड़े, और शायद इसका एक सबब हो, लेकिन अगर आप ये रास्ते रोकेंगे तो वो दूसरा रास्ता होगा जो रास्ता खुल चुका है। आपको पता है सिचुएशन, अगर आपको अगर नहीं पता है तो आप पूछ लीजिए डॉक्टर मानिक बोलते हैं, ये फिर दूसरा रास्ता खुलेगा जब आप रास्ते रोकेंगे सोशल मीडिया के, और फिर मैंने सेनेट का जिक्र किया था। लेकिन बरेलवी साहब मैं तो पूछ रहा था ये इस तरह रिपोर्टिंग का पूछ रहा था जिसकी बेसिस के ऊपर आप साफी से रहता बात मीडिया को बैन के इसलिए कहा जा रहा है कि समझते हैं कि 8 फरवरी को सोशल मीडिया की वजह से जो है वोट मिले, कैदी नंबर 8504 या 804 जिसको भी है। सही। अब लास्ट मिनट है नसरुल्ला मलिक साहब, मैं दोबारा उस पॉइंट पर आ जाता हूँ, वो तो क्लियर हो गया मामला, ये जो सिंध हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद मुझे आप दो मेरी गुजारिश, कोर्ट का नहीं कोई सुन रहा तो फिर हम क्या यहाँ पे किया जाए, ये कुछ कानून के मुताबिक ही होना है ना, अगर बंद करना है तो वो किसी कानून के मुताबिक करना है, कोई आर्बिट्रेरली तो कोई फैसला नहीं कर लेगा कि जनाब इन्हें भी बंद कर दो तो उन्होंने भी कर दो। बाजवा साहब मैंने बंद करने की बात नहीं की, मैंने जो गुजारिशात की है दोबारा दोहरा देता हूँ। देखें इस मुल्क में एक शोहरत की तमन्ना की एक लहर चली हुई है और उसके पीछे हम सब भाग रहे हैं, यानी मौला जट बन के हम चाहते हैं कि इससे बहुत मशहूरी हो जाएगी, उसकी बुनियाद पे हम अपनी जड़ें खोखली कर रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि सोशल मीडिया बंद कर दें, मैंने ये नहीं कहा किसी साफी को उठा लिया जाए, मैंने सवाल पूछा है, आप अपने तौर पर जवाब दे दें, हबीब अकरम साहब जवाब दे दें, किस मुल्क के अंदर कोई साफी ये उठ के कहता है कि फलां झूठा और बेईमान शख्स है, फलां चोर और डाकू है, फलां को हम ये नहीं करने देंगे, मुझे ये बताइए, ये दुनिया की काम जर्नलिज्म होती है? और ये क्या इस मुल्क के अंदर नहीं हुआ कि आपने एक वजीर आजम के ऊपर इल्जाम लगा दिया कि उसने 500 अरब रुपए पाकिस्तान से उठा के हिंदुस्तान भेज दिए, आपने टॉक शो कर दिए, आपने उसके ऊपर मुबैसे कर लिए, किसी ने आपसे पूछा कि भाई लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो उनका हो गया, मैं तो आवाम की जो एक यानी आप एक इदारे के सर गुजारे सुन ले, बाजवा साहब जरा सुन ले सर, आपके पास खबर नहीं है, आप इल्जाम तलाशी करते हैं, आप गालियां देते हैं, आप लोगों को बेइज्जत करते हैं, आप एक अहम बैठे हुए शख्स को कहते हैं झूठा और मकार शख्स है, यानी आपसे पूछा भी नहीं जाए कि भाई साहब आप किसी की वो तो खैर सर सियासतदान है ना सर, वो उनकी आपस में चलती रहती है, यहाँ पे तो लोगों के सारे राय की बात सुन लें, भाजपा साहब सुन लें, आप कहते हैं एक शख्स जो है चेयरमैन चीफ जनरल स्टाफ जेल चला गया, आपसे पूछा जाए भाई सबूत क्या है? सर जी सबूत मेरे पास नहीं, आजादी। ठीक है सर, मेरा ख्याल है वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, वो देखने वालों को समझ आपका पॉइंट ऑफ व्यू बल्कि आ गया। थैंक यू वेरी मच तमाम गेस्ट्स का, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी।